स्पेशल टास्क फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया है। एसटीएफ मुखी आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किया गैंगस्टर सिमरनजीत सिंह गिग्गी नाभा जेल ब्रेक में फंडिंग करने वाले रमनदीप सिंह रोमी का गुरु है और उसके साथ मिलकर इन्होंने 2013 में अंतर्राष्ट्रीय अपहरण को भी अंजाम दिया था। कुंवर विजय प्रताप सिंह के मुताबिक गग्गी ने 10 और 20 फरवरी की रात में भौदड़ के जगियाना गांव में अंधाधुंध फायरिंग की थी, हालांकि उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद एसटीएफ इस गिरोह के पीछे लगी और आज गुप्त सूचना के आधार पर ब्यास से गग्गी और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो आया है, इन्होंने जो वहाँ किडनैपिंग की थी तो गग्गी का नाम उस केस में है और गग्गी ये चाह रहा था कि इस बात का पर्दाफाश नहीं हो सके और ये वहाँ की पुलिस से संपर्क किया जाएगा, अगर वहाँ वांटेड होगा तो कानून के मुताबिक वहाँ डिपोर्ट किया जा सकता है। सर, आपने कहा कि रमनजीत सिंह जो है वहाँ से हांगकांग से फाइनेंस कर रहा था, ये अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से फाइनेंस कर रहे हैं गैंग का गग्गी लीडर, तो अभी आपने कहा कि रोबरी के उसमें गिरफ्तार और रोबरी की योजना बनाते हो, तो अभी इसे फाइनेंस नहीं मिल पा रहा था या किसी तरह का कोई? देखिए आपको भी पता है कि इंडिया में नोटबंदी हुई है, तो नोटबंदी के चलते पैसे की कमी हो गई है लोगों को, तो जितने ये क्रिमिनल्स जो हैं, गैंगस्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं, बहुत इजीली जो पैसा इनको मिलता था उसमें थोड़ी कमी जरूर आ गई है, इसलिए ये पैसे के लिए डेस्परेट हो गए। अमृतसर से जाट टीवी न्यूज के लिए धर्मवीर गिल की रिपोर्ट।